जिम करते हुए बदन की गर्मी इस कदर बढ़ जाए कि दिमाग ये भी ना सोचे कि जिस पर हाथ उठाया जा रहा है या जिसको पैरों से मारा जा रहा है वो महिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक जिम की सीसीटीवी फुटेज को देखकर यही लग रहा है कि मारने वाले ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस पर हाथ उठा रहा है वो महिला है। दरअसल जिम में उस शख्स ने महिला को लात और थप्पड़ इसलिए मारे क्योंकि महिला ने पूर्व में उस शख्स के गलत व्यवहार को लेकर शिकायत की और इतनी सी बात एक शख्स को नागवार गुजरी। फिर क्या था, हाथ से लात से पीटना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक महिला को जिम में वर्कआउट करते समय अक्सर परेशान करता था जिसकी शिकायत उसने ट्रेनर से की, जिसके बाद उससे खफा शख्स ने जिम के अंदर ही उसके साथ बदसलूकी की और उसकी पिटाई भी कर दी। पीड़ित युवती के परिजनों ने आरोपी शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी है। व्यक्ति द्वारा उसको छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया और जब उसने इसके लिए वहाँ के मैनेजर और वहाँ के ट्रेनर को बताया तो फिर उसके साथ उसको मारपीट भी की गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना भोरकुआ में छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और घटना की वास्तविकता को पता लगाने का प्रयास किया गया। हम भारतीयों का पेशेंस इस कदर कम हो रहा है कि हम कहीं भी किसी के साथ भी किसी भी बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि कई बार मामला मर्डर तक पहुँच जाता है। ऐसे में हम भारतीयों को थोड़ा पेशेंस तो रखना चाहिए और छोटी मोटी बातों पर इस तरह लात घूंसों से नहीं बल्कि बातों से सुलझाना चाहिए।